युवाओं के साथ आयोजक और राजनेताओं ने भी बड़े जोश के साथ दही हंडी का उत्सव मनाया। लगभग दो साल के कोरोना महामारी के बाद इस साल गोविंदाओं की धूम पूरे मुंबई में जगह जगह पर बड़े पैमाने पर नजर आई। आशीर्वादी सेवा में कम से कम हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतने आज पतंग आ गए और कम से कम 25 के पतंग आ गए हमारे और सब में जोश था। एक तरफ गोविंदा के चेहरे पर फिर से वही खुशी थी तो आयोजकों में भी वही उत्साह था और राजकीय नेताओं ने भी गोविंदा का उत्साह बढ़ाया। ये पता चला कि दो साल जो पाल गोपाल जो गोविंदा पतंग है उन्होंने जो खामोशी थी वो आज मेरे खामोशी बोलते ना, खामोशी के बाद एक तूफान आता है, वो आज मैं सबके चेहरे पे देखा हूँ और सबके जोश देखा हूँ। बात करें कांदीवली पश्चिम सेक्टर 4 के चारकोप मंडल की तो सारे गोविंदा की पूरी फिक्र करते हैं और अगर कोई आपघात होता है तो ऐसे में हम उन्हें पूरा सहयोग करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरों ने जो आके मतलब सर लगाए 7 सर 8 सर 6 सर 4 सर जो भी है हमें खुशी होती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे हैं, हमने वो लगाए बस वही हमें उधर उधर दिखते हैं और सभी हमारे हैं, सभी लोगों को मिलजुल के रहना है। तो उसी गोविंदा पथक आयोजन में शिवसेना पूर्व नगर सेविका भी मौजूद थी और उन्होंने गोविंदा का हौसला बढ़ाया। इसी के साथ आने वाले चुनाव में शिवसेना फिर से एक बार भारी मतों से जीतेगी यह दावा भी किया। धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अच्छा प्रयोजन यहाँ पे किया हुआ है। 15 साल से ये लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आगे भी वैसे ही उसी तरह ट्रस्ट करेंगे, ये मेरे को भी पूरा विश्वास है। ज्यादा कॉम्पिटिशन भी है और लोगों का उत्साह भी ज्यादा दिख रहा है। यहाँ से सेना का झंडा वन साइड वापस उसी तरह आएगा और शिवसेना बीएमसी में वापस वही झंडा फहराएगा। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुरेंद्र जोटिंगे की रिपोर्ट।